2016 को जतिन मेहता और उनकी पत्नी ने सेंट किट्स की नागरिकता ली थी, भारत की नागरिकता को छोड़कर, पैसे गबन करके, पैसे डकार कर वो इस देश को छोड़कर भाग गए थे, और वो देश को छोड़कर मोदी जी की रजीम में भागे थे। मोदी जी की नाक के नीचे नीरव मोदी भागे, मोदी जी की नाक के नीचे विजय माल्या भागे, मोदी जी की नाक के नीचे मेहुल भाई भागे, और मोदी जी की नाक के नीचे, पता नहीं उनके संरक्षण के चलते या ये मैं नहीं जानती, लेकिन उन्हीं की नाक के नीचे जतिन मेहता भी भागे। ये सब लोग भाग जाते हैं, इनको वापस लाने में कोई कवायद नहीं की जाती है। एक आदमी के खिलाफ इंटरपोल अपनी नोटिस विड्रॉ कर लेता है, अब कोर्ट कह देता है कि वो भारत जा ही नहीं सकते। मेहुल भाई, मोदी जी उनको मेहुल भाई कहते हैं, उन्हीं के आदर में हम लोग भी उनको मेहुल भाई कहते हैं। तो सवाल यह है कि आपकी नाक के नीचे यह सब हो रहा है। लगातार नीरव मोदी पर बैंक्स लिख रहे थे कि ऐसा करने वाले हैं, सरकार ने क्या किया? विजय माल्या ने इस देश को छोड़कर भागने से पहले एक चिट्ठी लिखी थी तत्कालीन वित्त मंत्री को, उस चिट्ठी का खुलासा क्यों नहीं हो रहा है, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? तो आपकी नाक के नीचे से ये लोग भागे, फिर इन्होंने नागरिकता ले ली, और ऐसी जगह नागरिकता ली जहां से आप एक्सट्रेडिशन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एनओसी तो भारत सरकार ही देता है। किसने दी एनओसी? वो किसने बोला हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? ये देश के हजारों करोड़ की संपत्ति, हजारों करोड़ का पैसा बैंक को चूना लगा के भाग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कहीं के भी नागरिक बन जाए, सानू की हमें क्या करना है? तो ये तो मोदी जी ने किया है, और अगर मोदी जी ने नहीं किया तो इसका एक्सप्लेनेशन दे दे। 2016 से 2023 आ गया, 7 साल हो गए, कहां है ये भगोड़ा? क्या कार्रवाई हो रही है इस पर? जो यूके में कार्रवाई चल रही है वो इंटरनेशनल बैंक्स कर रहे हैं, उससे हमारा एक को बैंक का लेना देना नहीं है, एक संस्था का लेना देना नहीं है, एक एजेंसी का लेना देना नहीं है। अरे भाई, तो सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर करी थी, कहां गई वो सीबीआई की एफआईआर? क्या हो रहा है इस पर? ये सवाल पूछा जाएगा, ये आपकी नागरिकता का सवाल हो गया। मोंटेरोसा के साथ, और क्योंकि मैंने आपको उन 13 कंपनीज के बारे में बताया था, उसके बारे में भी थोड़ा सा क्लैरिटी दे देती हूं। सोना आयात करते थे, इंपोर्ट आयात करते थे, लेटर ऑफ क्रेडिट सरकारी बैंक इशू करते हैं, वैसे ही मेहुल भाई भी लाते थे, वैसे ही नीरव मोदी भी लाते थे। उस सोने को ज्वेलरी बनाते थे, वो ज्वेलरी दुबई की कंपनियों को बेची जाती थी, कंपनियां पैसा देती थी, उससे धंधा चलता था। भाई साहब ने क्या किया, समधी जी ने, जतिन मेहता ने, उन्होंने 13 कंपनियों को बेचा सोना की ज्वेलरी बनाकर, जेवर बनाए, खूबसूरत ही बनाए होंगे, जेवर बनाकर बेचा उन्होंने। लेकिन मजे की बात यह कि 13 कंपनियां उन्हीं की थी, और फिर कह दिया 13 कंपनी ने पेमेंट ही नहीं किया। पेमेंट नहीं, आप ही डकार गए वो पैसा, आपने पैसा हजम कर लिया, आपने चूना लगाया देश को, और बैंकों के मुंह पर चूना लगाकर आप देश छोड़कर भाग गए। अगर इससे बड़ा सबूत आपको चाहिए, और इसमें सारे मालिकाना हक है, हम आपको जो रिलीज देंगे, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूं, इस मंच से सिंपल रखना चाहती हूं, इसमें सारे हैं, कैसे एक व्यक्ति का 90% स्टेक था, कैसे एक व्यक्ति का 100% था, कौन कौन उसमें निदेशक था, सारी काले कारनामे हैं उसमें। तो ये तो उनके काले कारनामों की बात हो गई। फिर उन्होंने मोंटेरोसा के चेयरमैन और सीईओ के साथ कई कंपनियों में डायरेक्टर बनकर वो रहे, और डायरेक्टर बनके ही नहीं रहे, उनके कुछ बिजनेस ताल्लुकात भी रहे। मोंटेरोसा का अडानी समूह में पैसा लगा हुआ है शेल कंपनीज के माध्यम से। तो भैया, ये जो जाल है, इसका खुलासा कौन करेगा? हमने आक्षेप लगाया, हमने प्रूफ रख दिया, अब जांच तो सरकार करेगी ना, या जांच भी अगर हम जांच करेंगे तो हमें सरकार में जिस दिन बैठेंगे उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। लेकिन जिस तरह से मोदी जी और उनका पूरा तंत्र इस पर आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं, यह साफ है कि ऐसे भगोड़ों का संरक्षण ही इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनके तार अडानी से जुड़े हुए हैं। अगर ये भाई साहब समधी ना होते तो अभी तक हवालात में होते, समधी हैं तो पूरी खातिरदारी करी जा रही है।